हेलो गाइस, मैं हेमंत पवार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो गाइस, वॉक अराउंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस का आंसर करना चाहूँगा, जैसे कि ये पर्टिकुलर कार कितने प्राइस में मिलती है, ऑन रोड प्राइस क्या है। ये है नेक्सॉन एक्जी प्लस पेट्रोल वेरिएंट, तो इसका जो प्राइस है वो दिल्ली में है 10.95 लाख। इससे पहले 21 जनवरी से पहले जिसने बुक कर रखी होगी उसको मिलेगा ये 10.75 लाख में, लेकिन उसके बाद वाली सारी कार्स में टाटा ने अपने कुछ कुछ प्राइस हाइक करे हैं। तो इस वाले पर्टिकुलर वेरिएंट पे 20,000 का प्राइस हाइक हुआ था। और सेकंड है कि इसमें वेटिंग कितनी जा रही है। तो एक्चुअली हमने कराई थी बुक January 23rd को, तो फेबररी में हमारे डीलर ने हमें कॉल कर दिया था कि सर आपकी कार आ चुकी है, डिलीवरी ले ले, लेकिन हमने किसी कुछ रीजंस के चलते वो हमने उस समय ली नहीं थी। तो उसके बाद हमें ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लगे, और वैसे भी टाटा क्लेम करती है कि मतलब इसमें 12 वीक्स तक का आपको वेटिंग पीरियड जा सकता है, तो उससे पहले भी मिल सकती है, और 12 वीक्स के अंदर अंदर मिल जानी चाहिए वैसे दिल्ली में आपको। तो और बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में जो दिलाती है टाटा नेक्सॉन को 5 स्टार ग्लोबल एनकैप टेस्ट में। तो फोर्टिफाइड केबिन मिलेगा इसमें जो कि हाई स्ट्रेंथ स्टील से बना हुआ है। डुअल फ्रंट एयर बैग स्टैंडर्ड मिलेंगे आपको। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलेगा जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग मिलेगी। और ABS विद EBDS स्टैंडर्ड मिलेगा इसमें। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स का प्रोविज़न मिलेगा, और हाइट एडजस्टमेंट सीट बेल्ट्स आपको हायर वेरिएंट्स में मिलेगी, बेसिक बेस मॉडल्स में नहीं देखने को मिलेगी। और रिवर्स पार्किंग असिस्ट मिलेगा, ये भी आपको हायर रेंज पे मिलेगी। और टाटा ऑफर करती है 5 अट्रैक्टिव कलर्स में टाटा नेक्सॉन, जो कि होंगे फॉलेज ग्रीन, कैलगरी वाइट, फ्लेम रेड, प्योर सिल्वर और डेट ऑन अ ग्रे। चलिए बढ़ते हैं वॉक अराउंड की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों की से, तो कुछ ऐसी आपको स्मार्ट की देखने को मिलेगी। टाटा की बाकी कार्स में भी ऐसी की आ रही है आजकल, और यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन होगा, और ये है फॉलो मी हेडलैम्प के लिए, इसे ऑन कर सकते हैं जिससे कि आप सिंगल प्रेस से हेडलैम्प्स ऑन हो जाते हैं और सिंगल से ही बंद हो जाते हैं। और अगर इसे प्रेस करके रखोगे तो फिर जैसे पार्किंग में आपको अपनी कार फाइंड करनी है तो वो वाला काम करेगी, और ये बूट ओपनिंग के लिए। चलते हैं सीधे दोस्तों कार की तरफ। तो ये है फ्रंट लुक कार का, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और बोल्ड लगता है ये रोड प्रेजेंस में। बात करते हैं सीधा ग्रिल के बारे में। तो ये टाटा की ट्राई एरो ग्रिल है डिज़ाइन, यहाँ पे ग्लॉस फिनिश के साथ मिलेगी, और ये टाटा का लोगो। यहाँ पे DRLs आपको मिल जाएंगी, और ये प्रोजेक्टर जो है वो हेलोजन ही है, आपको LED नहीं मिलेगा, और ये हेलोजन हाई बीम है। नीचे आपको देखने को मिलेगी फॉग लैम्प। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही मिलेगा। इंजन की अगर बात करें तो ये है टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, 1.3 लीटर का है और 3 सिलेंडर है, और प्रोड्यूस करता है 108 BHP की पावर और 170 Nm का टॉर्क, जो कि काफ़ी पावरफुल बनाता है इस गाड़ी को। देखिए यहाँ पे मिल जाएगा वाइपर्स का टैंक फिल करने के लिए, यहाँ पे बैटरी की प्लेसमेंट है। और बात करूँ इसकी हुड की लिड की, तो इतना हैवी है आपको समझ आ जाएगा अगर आप उठाओ के देखोगे कितना हैवी है। और बिल्ड क्वालिटी इसी चीज़ से पता चलती है टाटा की, और ये इंसुलेशन यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है। इस सेगमेंट की किसी और कार में आपको ये देखने को मिलेगा नहीं। बात करते हैं टायर्स के बारे में। तो आपको इसमें एक्जी प्लस से अलॉय व्हील्स मिलते हैं, इससे नीचे वाले वेरिएंट्स में आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे। ये 215/60R16 का आपको टायर्स मिलेगा, और कुछ ऐसी है साइड प्रोफाइल टाटा नेक्सॉन एक्जी प्लस वेरिएंट की। यहाँ पे काफ़ी अच्छा मैट फिनिश में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्रोम की जगह इन्होंने सिल्वर फिनिश में दी हुई है डोर पे। ऊपर की तरफ रूफ रिल्स मिल जाएंगी जो कि नॉन फंक्शनल है। पीछे का टायर भी आपको सेम साइज़ का देखने को मिलेगा। यहाँ पे फ्यूल लिड है, और ये काफ़ी अच्छा लगता है ये मैट फिनिश में जो दिया हुआ है टाटा ने।
चलते हैं पीछे की तरफ, तो LED में टेल लाइट्स मिल जाएंगी, यहाँ पे कैमरा मिल जाएगा, डिफॉगर और वाइपर मिल जाएंगे विद वॉशर के साथ, स्पॉइलर जैसा दे रखा है, और ये ब्रेक लाइट्स हैं पीछे, और ऊपर शार्क फिन एंटीना देखने को मिलेगा आपको। नीचे आपको दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, ये यहाँ पे बटन मिलेगा बूट ओपन करने के लिए, इसको आप की से भी कर सकते हैं और ऐसे प्रेस करके भी कर सकते हैं, और अंदर से भी एक्सेस है। यहाँ पे 350 लीटर की डिसेंट साइज़ की आपको बूट मिलेगी, और यहाँ पे पार्सल ट्रे भी आपको देखने को मिल जाएगी। और नीचे यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स हैं, ये लाइट नहीं है, तो कुछ ऐसा है इसका बैक। आपको यहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइड की गई है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दूसरे साइड से कुछ ऐसे लगती है। इसमें ऑटो फोल्डिंग मिरर्स मिलते हैं जो कि लॉक अनलॉक पे अनफोल्ड और फोल्ड हो जाते हैं। मैं अभी अनलॉक करूँगा कार को, तो ये अनलॉक हो चुका है, चलते हैं इंटीरियर की तरफ। बात करते हैं ड्राइवर साइड डोर की, तो इसमें आपको क्रोम फिनिश में डोर ओपनर मिल जाएगा और यहाँ पे लॉक मिल जाएगा। यहाँ पे और VMs के कंट्रोल हैं, यहाँ पे मिरर्स के कंट्रोल और लॉक अनलॉक का, मिरर्स लॉक अनलॉक का बटन मिल जाएगा। इसमें आपको हरमन के 8 स्पीकर सिस्टम मिलता है, जिसमें 4 कंपोनेंट स्पीकर और 4 ट्वीटर्स हैं। यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर मिल जाएगा जो कि आप स्मॉल साइज़ रख सकते हैं, और यहाँ पे एक बॉटल रख सकते हैं, आराम से आ जाएगी। ये अगेन एक रिफ्लेक्टर है, चलते हैं अंदर की तरफ से। तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स, कॉल पिक और कट करने के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। आपको मिलता है क्रोम फिनिश में एसी वेंट्स की फिनिश, काफ़ी अच्छा यहाँ पे हार्ड मटेरियल यूज़ किया है टाटा ने अपनी कार में। नीचे एक डेड पेडल में मिलता है आपको, या फिर रेस्ट पेडल जिसे कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेस है सामान रखने की, और ये टायर और फिनिश फिर से दी है टाटा ने अपनी कार में। सीट्स की बात करें तो इसमें आपको हाइट एडजस्टिंग मिल जाएगी, अप एंड डाउन मैनुअली है, और खाली ड्राइवर साइड ही मिलेगी आपको देखने को। मैं आपको यहाँ पे डोर का थंब जरूर सुनाना चाहूँगा, देखिए काफ़ी सॉलिड फील होता है बंद करने में। तो अभी इसे ऑन करके दिखा दूँ, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आपको कुछ ऐसा मिलेगा, टाटा के टाटा मोटर्स लिखा आता है, और यहाँ पे MID के कंट्रोल्स हैं, इसे आप चेंज कर सकते हैं ऑडोमीटर में, ट्रिप ए बी में। यहाँ पे टेम्परेचर शो होगा, एवरेज शो होगी, और यहाँ पे टाइम वगैरह सेट करने के लिए और रीसेट करने के लिए आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हरमन का सिस्टम आपको देखने को मिलेगा एसी वेंट से नीचे। और अब काफ़ी आपको मैं बताना चाहूँगा कि अब 2021 में टाटा नेक्सॉन में ये वाला पैनल चेंज हो गया, यहाँ पे नेक्सॉन की बैजिंग आ रही है, आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। यहाँ पे फिर से डिज़ाइन है, ये डैशबोर्ड यहाँ से पूरा विजिबल होता है ड्राइवर साइड से आपको बोनट, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, लोग पसंद करते हैं इस चीज़ को। आपको मिरर मिलेगा रियर व्यू के लिए, फिर IRVM जिसे कहते हैं, ये ऑटो डिमिंग नहीं है इसमें। यहाँ पे आपको लाइट मिलेगी LED, यहाँ पे ये सनग्लास होल्डर इसे कह सकते हैं, ये स्पीकर है, माइक है सॉरी, और यहाँ पे टिकट होल्डर ही मिलेगा, वैनिटी मिरर यहाँ पे नहीं दिए गया है, को पैसेंजर के लिए वैनिटी मिरर दिया गया है। दो एयर बैग्स आते हैं डैशबोर्ड में, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का सेंसर, ना कि रेन वाइपर का सेंसर है। पैसेंजर साइड डोर कुछ ऐसा है, यहाँ पे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पे चेंज करने का एसी वेंट्स की पोजीशन, यहाँ पे
डीफॉगर के स्विच मिल जाएंगे। ये फॉग लैम्प का स्विच है, लॉक ऑन लॉक का है और ये बूट का है। इसमें 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, यहाँ पे हैंड ब्रेक है, मैनुअल। ये आर्मरेस्ट मिलेगा आपको फैब्रिक में। यहाँ शटर, इसमें 2 कप होल्डर्स हैं। स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये हैं वाइपर्स के कंट्रोल्स, इधर लाइट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको। ये आपको USB का पोर्ट मिल जाएगा, जहाँ से आप अपना एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले चला सकते हैं। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट। बात करते हैं ग्लव बॉक्स की, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस आपको कूल ग्लव बॉक्स मिलेगा विद LED। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स है। देखिए कितना ज़्यादा स्पेशियस है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। चलते हैं रियर की तरफ। तो रियर में कुछ ऐसा डोर आपको देखने को मिलेगा। ट्विटर्स और कंपोनेंट की प्लेसिंग कुछ ऐसी है यहाँ पे, विंडो का कंट्रोल्स। यहाँ पे फिर से क्रोम फिनिश में आपको देखने को मिलेगी। कुछ ऐसी है यहाँ पे रियर सीट्स, जहाँ पे आपको आर्म रेस्ट भी देखने को मिलेगा। ये काफ़ी प्रीमियम फीचर है इसका, 2 कप होल्डर्स के साथ। बात करते हैं सीट्स की। रियर सीट्स में गाइस बैठने के बाद आपको एकदम सोफे वाली कंफर्ट मिलेगी, इतना ज़्यादा अच्छा। यहाँ पे फैब्रिक और कुशनिंग इतनी अच्छी है सीट्स में कि आपको बिल्कुल टाइटनेस फील नहीं होगी लॉन्ग रूट्स पे अगर आप जाएं। कुछ ऐसा दिखता है आगे का डैशबोर्ड, काफ़ी प्रीमियम लुक आती है। बात करें लेग स्पेस की या लेग रूम की, तो आपको इतना अच्छा यहाँ पे, ये सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग फिक्स है और मेरी हाइट है 5'9", उसके बाद भी आपको देखो कितनी अच्छा यहाँ पे लेग रूम मिलता है। पीछे आपको AC वेंट्स मिल जाएंगी। चार्जर आपको यहाँ नहीं मिलेगा, चार्जर इस तरफ मिलेगा, यहाँ पे पीछे है। और ये मैंने बता ही दिया आपको आर्मरेस्ट। सीट्स में आपको हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल मिलेगा XZ प्लस वेरिएंट में, इससे नीचे आपको वेरिएंट्स में आपको एडजस्टेबल नहीं मिलेगा, खाली XZ प्लस और XZ प्लस ऑप्शनल में आपको देखने को मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये थी हमारे टाटा नेक्सॉन का डिटेल वॉक अराउंड वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब और शेयर करो उन्हीं सभी लोगों तक जो कि प्लान करें टाटा नेक्सॉन लेने का। मिलते हैं ऐसी किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।